आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। सोमवार 3 अक्टूबर को बीदर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में वक्फ बोर्ड की जानिब से एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के मुख्य अतिथि अनवर बादशाह, जो स्क्रीनिंग कमेटी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो बेंगलुरु से आए थे। इनके आने के मौके पर बीदर के वक्फ बोर्ड ऑफिस की जानिब से एक मीटिंग आयोजित कर बीदर में सभी तालुकों से मुतवलियों को बुलाकर उनकी जो भी समस्याएं वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हो रही है, इन समस्याओं को इसका समाधान करने के लिए बीदर के हर तालुके से मुतवलियों और सज्जादों को बुलाया गया था। और बसवकल्याण, हुमनाबाद, भालकी, चुड़गुप्पा सभी तालुकों से मुतवली और सज्जादा जो आकर अनवर बादशाह, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वक्फ के, उनके सामने सभी ने अपनी समस्याएँ रखी। इसमें बीदर से भी कुछ लोग आए थे। इन सभी की समस्याओं को सुनने के बाद खास तौर से मुतवलियों और सज्जादों को जो समस्याएं हो रही थी, वो खास तौर से फार्म नंबर 42 के ताल्लुक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज फार्म नंबर 42 को लेकर हो रहे थे। अनवर बादशाह ने ये यकीन दिलाया और ये आश्वासन दिया है कि सभी को जल्द से जल्द बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग लेकर इसका प्रस्ताव रखेंगे मीटिंग के सामने। और फार्म नंबर 42 को लेकर खास तौर से जितनी भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो हो रही है बीदर डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से, इन सभी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, इसका सलूशन निकाला जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड मैनेजिंग कमेटी में और वक्फ बोर्ड में जो भी रुकावटें आ रही है, दुश्वारियां आ रही है, मुश्किलें आ रही है, इन सभी समस्या का समाधान के लिए अनवर बादशाह ने बहुत जोर दिया है। और उन्होंने बीदर के जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी है, अधिकारियों को भी बहुत डांट फटकार लगाई है कि जब अगर कोई इनके पास कंप्लेंट लेकर आता है, एप्लीकेशन इनको देता है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन इनके पास आई है बीदर के वक्फ बोर्ड में, 5-5 साल से लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से इस एप्लीकेशन का कुछ सलूशन नहीं हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट सुनने के बाद अनवर बादशाह ने बीदर के वक्फ बोर्ड अधिकारियों को डांट फटकार लगाई और जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में जोर दिया। इसके बाद बीदर से ह्यूमन फर्स्ट फाउंडेशन जो चलाई जा रही है, माजिद बिलाल, इन्होंने भी एक मेमोरेंडम दिया देकर अनवर बादशाह को ये कहा कि वक्फ बोर्ड से जो है 2 एकड़ भूमि इनको वक्फ किया जाए, क्योंकि जो लावारिस लाशें होती हैं, जैसे जिनका कोई घर, खानदान, फैमिली नहीं होती, उनको काम कहीं पर दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और इनको बहुत दिक्कतें आ रही थी इस काम के लिए, इसलिए इन्होंने एक मेमोरेंडम देकर अनवर बादशाह से ये अपील की है कि ह्यूमन फर्स्ट फाउंडेशन को 2 एकड़ ज़मीन दी जाए। और इस मौके पर माजिद बिलाल ने यह भी कहा कि इससे पहले भी वो बीदर के विधायक रहीम खान और डिप्टी कमिश्नर को भी इस तरह का मेमोरेंडम दे चुके हैं। तो केपी न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज़ 24x7। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी खबरों के साथ। मैं असलम खान, धन्यवाद। डिपार्टमेंट के लोगों के पर इतने दिन से जो है कंप्लेंट है लोगों की कि वक्फ बोर्ड ऑफिसर आते नहीं, उसके बारे में। कर्नाटक स्टेट मेंबर हूँ मैं, इस वजह से मैं मुतवल्ली कैटेगरी से इंतखाब में जीता हो को मेंबर हो के बाद बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो जो वफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए एक वफ अदालत बोल को मुतवल्ली के साथ गुफ्तगु करने का मौका मिला, जिस मौके पर जो जो बीदर जिला के पूरे तालुकों के फॉरम 42 के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ साथ मैनेजिंग कमेटी के प्रॉब्लम्स हैं, हेरिडेटरी मुतवली के प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरा भी मैं उनके साथ मशवरा गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। बाद में आने वाले दिनों में हमारे बोर्ड मीटिंग में कितना हुआ उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में करता हूँ। सर, और यहाँ पर बीदर में एक सैयद का जो बहुत फेमस है, उसका केस चला सर कोर्ट में 2018 में वक्फ बोर्ड में केस आ गया, उसके बाद वक्फ बोर्ड क्लियर कोर्ट में क्यों अपील नहीं करा सर, अब तक ये इसके बारे में वक्फ बोर्ड से सर उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, वो फाइल देखना पड़ता। पिछली बार हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो आए थे, स्टेट चेयरमैन, उनसे भी पूछे थे, वो भी मैं जाकर उनसे बात करके बोलता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह मैं चेयरमैन साहब बोले क्या देखी नहीं, मुझे तो पता नहीं। आप बोल रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह कल परसों बेंगलुरु को गया तो फाइल लीगल सेक्शन में रहता, कोर्ट का मसले पूरे वहाँ रहते हैं, मैं लीगल सेक्शन में बैठ कर वो फाइल इंक्वायरी करके उसके बाद उसके बारे में बात करता हूँ।
बीदर में भी सर खासतौर से 90% लोग जो है वन प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि उनके पास CMC का तक कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं है। फिर वर्कआउट वहाँ पे इसे क्यों नहीं कर रहा, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक रहा है क्यों नहीं वर्कआउट, इसके लिए क्या एकदम उठा रहे आप लोग? इलीगल कंस्ट्रक्शन को वर्कबोर्ड कभी 101% रोकते, हमें जो इदारे में इन्वॉल्व हो को हमें कौन से इदारे में नहीं रोके, मुझे एक एग्जांपल दो, इंशाल्लाह कल ही वो रोकेंगे। इधर में सर एक साहेब लेआउट है, वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू जारी है विदाउट CMC परमिशन, बोर्ड का प्रॉपर्टी है वो, और सर्वे नंबर के साथ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो इंशाल्लाह मैं अभी ऑफिस के स्टाफ के साथ गुफ्तगू करता हूँ, उसके वो सर्वे नंबर के साथ उनका डिटेल लेता हूँ, उसके बाद मैं इंक्वायरी करे के बाद उसके बारे में बात करता हूँ।